दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या है वो ऐप्स और क्या है ऐप्स की फीचर्स, फंक्शनलिटी, कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको आखिर तक वीडियो देखना पड़ेगी। ये वीडियो हमको भेजा गया है टेक्नो गाइड की तरफ से। उन चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ, उनका चैनल का लिंक, तो आप सिंपली जो है टाइटल पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन पर खुल जाएगा चैनल को, उसकी प्लीज सब्सक्राइब कर लें टेक्नो गाइड को और उन्हें सपोर्ट कीजिए। और ऐसी तरह और भी वीडियोस उनके पास बहुत है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा योर इंडियन होस्ट चैनल को उनके चैनल में मेरा वीडियो पब्लिश करने के लिए। और दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक के जरिए आप मेरा चैनल टेक्नो गाइड को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को यानी कि योर इंडियन होस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज मैं एक कैलकुलेटर ऐप लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो दिखने में बहुत ही नॉर्मल है लेकिन बहुत ही स्मार्ट एंड बेहतरीन कैलकुलेटर ऐप है। उसके बाद क्या है, कैसे है, क्यों है, वो जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो आखिरी तक देखें और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या कैसा है ये ऐप। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो ऐप फोटो मैथ। इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए एंड आपको प्ले स्टोर में ये मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। फोटो मैथ आपको सर्च करना पड़ेगा और मिल जाने के बाद आप इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिए और सिंपली इस ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस थोड़ा सा ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम स्कैन करना होगा और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लिखा हुआ हूँ पहले से ही, मैं उसको स्कैन करूँगा और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आसान सवाल से गुजरते हैं। 2 + 5, मैं फ्लैश को ऑफ कर देता हूँ और ये देखिए 2 + 5 = 7 आ गया है। सेकेंड जो है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट वैल्यू मैंने लिया है, पॉइंट वैल्यू के लिए ये थोड़ा सा इनकम्पेटिबल है। ये देखिए, ये गलत जवाब आ गया और ये 0.25 की बजाय 0 × 25 आ गया है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा लेकिन बाकी सब ठीक है। ये देखिए, मैं एक एक्स वाला इक्वेशन दिया है और यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू, ये क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो आ गया है। एक्चुअली ये जो आपका हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन है ना, ये आपका हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज करता है, तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना प्रॉब्लम्स को लिखिए ताकि ये जल्दी से उसको स्कैन कर पाए। और ये एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसका भी आंसर आ गया है। मैंने इसके बाद एक डेरिवेटिव दिया है जो सिंपल कैलकुलेटर नहीं कर सकते। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से कर दिया है। तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर में ये डेरिवेटिव, ये लॉगरिथम नहीं कर सकते। ये देखिए, इसके बाद मैं एक एक्स वाई वाला इक्वेशन दिया हूँ, और यहाँ पे एक्स और वाई का जो रिलेशन है वो आ गया है क्योंकि एक्स और वाई का जो वैल्यू एक ही इक्वेशन से नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं एक्स और एक्स वाई का दो इक्वेशन दे दिया है और यहाँ पे ये देखिए एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो आ गया है। तो ऐसे आप यूज़ करके, बिना टाइप करके कैलकुलेटर में, इसको आप
चला सकते हैं और आपको मैनुअल भी टाइप अप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फीचर दिया हुआ है कि यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हैं, आप पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और ये जो है पेड वर्सन है, कुछ टाइम का ये ट्रायल वर्सन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू करके, ये मेरा दिखा रहा है अनलॉक फॉर फ्री अंटिल 1/4/2017, यानी कि ये 1/4/2017 तक ये मेरा जो ऐप है ये अनलॉक रहेगा। उसके बाद इसको मैंने मुझको ख़रीदना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग सा ट्यूटोरियल आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।